तो फ्री फायर में कैसे यहाँ पर अभी बैच जाने वाले हैं या फिर जा चुके हैं वो तो खैर मुझे यहाँ पर नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर कि फ्री फायर मैंने यहाँ पर कितने बैच जमा किए, कितने यहाँ पर कलेक्शन किया मैंने यहाँ पर पूरे फ्री फायर में। लेकिन इतने टाइम से मैं खेल रहा हूँ तो यार मेरे लेवल कितने हुआ। वैसे यार लेवल की मैं यहाँ पर बात करना ही नहीं चाहता हूँ, बिकॉज यार मेरी एक जो पुरानी आईडी हुआ करती थी वो यहाँ पर उड़ चुकी है। लाइक यार मैं यहाँ पर उसका पासवर्ड भूल गया फेसबुक आईडी का, इसलिए मेरी वो वाली आईडी यहाँ पर जा चुकी है। तो दैट्स वाई ये मेरी सेकंड आईडी है, लेकिन ये सेकंड आईडी को भी आया यार बहुत टाइम मेरे हिसाब से हो चुका, बिकॉज ये आईडी आई थी लगभग यहाँ पर 2020 के सेप्टेम्बर के आसपास मैंने यहाँ पर ये वाली आईडी को यहाँ पर स्टार्ट करा था। आईडी स्टार्ट करने की वजह से गाइस हम लोग को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल चुकी है इस चीज़ के लिए ही, एंड मेरे सबसे यहाँ पर 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है हम लोग को, बिकॉज यहाँ पर 2023 यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है या फिर स्टार्ट हो चुका है यार मुझे याद भी नहीं है ये बात। तो अभी ये वीडियो कब आएगी वो इस चीज़ पर यहाँ पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये वीडियो कब आएगी एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर कौन सी तारीख को डालूंगा वो भी मुझे नहीं पता। वैसे मेरे पास एक और एक बंडल है ये वाला जो कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने यहाँ पर इसको प्रेसेट पर यहाँ पर अच्छे सेव करके रखा है, एंड जो ये मैंने यहाँ पर मिक्स मैच वाले यहाँ पर बंडल पहना है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड जो मेरे हाथ में एसवीडी है वो भी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई, मेरे सबसे यार बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली एसवीडी है। बाकी यार हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ओल्ड फ्री फायर में यहाँ पर कैसा खेला करता था, एंड मैंने यहाँ पर फ्री फायर को यहाँ पर कैसे अच्छे से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर चीज़ों को लूटा, एंड मैंने यहाँ पर कौन से कलेक्शन यहाँ पर स्टार्ट करने चालू करी, एंड मैंने यहाँ पर बहुत सारी कलेक्शन यहाँ पर कर देते यार मुझे याद है ये बात। लाइक जब मैं यहाँ पर शुरुआत में खेला करता था तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था। लाइक आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो न्यू बाय प्लेयर उन लोगों को तो पता ही होगा कि यहाँ पर यार कुछ भी हमारे पास नहीं होता है, ना ही कोई कैरेक्टर होता है, ना ही कोई बंडल होता है, ना ही कोई भी चीज़ होती है, ना ही गन स्किन होती है, एंड इमोट्स तो यार आप लोग रहने ही दो। लेकिन चलो आज अभी हम लोग यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास अभी क्या क्या है। तो अभी अगर हम लोग अभी बात कर लेते हैं पूरे की पूरी यहाँ पर चीज़ों की, तो अगर आप लोग देखो तो हम लोग हमारा लेवल यहाँ पर 59 होने वाला है, हमारे यहाँ पर लैग्स है यहाँ पर 2634, देन हमारे पास गाइस यहाँ पर 472 जो कि मेरे सबसे यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर अभी खेलने वाला हूँ गेम तो मेरे सबसे यहाँ पर बढ़ जाएंगे ये वाले भी बैज। देन मैं यहाँ पर BR रैंकेड में कभी भी हीरो की नहीं पहुँचाऊँ, हाँ गाइस मैं इस सीजन में यहाँ पर बिल्कुल भी, इस सीजन का गाइस मैं जब से यहाँ पर खेल रहा हूँ तब तक मैं यहाँ पर फ्री फायर में यहाँ पर BR रैंकेड में यहाँ पर बिल्कुल भी हीरो की नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं ये सीजन पहुँचने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। बट हाँ अपने पास एक रिकॉर्ड है कि मैं यहाँ पर CS रैंकेड में यहाँ पर पहुँचा हूँ 6 बार, लाइक सीजन 6 में पहुँचा था, 7 में पहुँचा था, 11 में, 12 में, 14 में, 16 यानी कि जो भी चल रहा है उसमें मैं यहाँ पर हीरो पर पहुँच चुका हूँ। देन यार हम लोग यहाँ पर बैटल स्टाइल एंड सोशल स्टाइल रख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी चीज़ है हम लोग यहाँ पर टैग मिलता है अगर हम लोग अच्छे से खेलेंगे तो। लाइक जो डोमिनेटर है वो यहाँ पर 120 तक पहुँच गया जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट पल को यहाँ पर क्रॉस कर देगा जल्द ही। देन रेसर अपने पास 97 है, पीसमेकर भी मुझे मिलता रहता है 86 है अपने पास, लेकिन जो चेन किलर है उसको यहाँ पर क्रॉस करने वाला 85 है इसका, एंड गाइस अपने बाकी है अर्ली बर्ड 53 है, शार्प शूटर 52, गुएरिल्ला या फिर गिरिल्ला क्या कहते हैं इसको 50 अपने पास, अनक्राउंड भी अपने पास है, एंड यहाँ पर अपने पास नीचे 14 है भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी बातें मिली है। एंड गाइस से बता दो अगर वेटरन की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर वेटरन रखा है अपना सोशल स्टार सीजन प्लेयर, आई नो द बैटल्स इनसाइड आउट, एंड सही बताओ मैं यहाँ पर सही में वेटरन हूँ ही, बिकॉज मैं यहाँ पर पबजी पहले खेला करता था बहुत पहले, एंड फिर मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको बदला, फिर अपने मैंने रखा है जस्ट फॉर फन, मैं यहाँ पर प्ले टू विन भी रख सकता था, लेकिन जस्ट फॉर फन मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा बिकॉज मैं फन के लिए खेलता हूँ। बात करिए यहाँ पर CS रैंकेड के बैटल कार्ड की, तो मैं यहाँ पर बुआ काउंट 57 है, लेकिन MVP भी कम नहीं 50 हो चुका है, मेरा जो एलिमिनेशन है वहाँ पर 500 होने वाला है जो कि हो भी जाएगा। देन जो हमारा क्वार्टर खेले वहाँ पर 7 तक पहुंच चुका है, हेड शॉट रेट गज मेरा यहाँ पर कम होते जाएगा, बिकॉज जो मैं एलिमिनेशन करता हूँ ना मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कर दिया हूँ इसलिए मेरा हेड शॉट रेट यहाँ पर कम है, इसलिए गाइस आप लोगों को ऐसा लग सकता है। फिर गाइस बात करें ओवरव्यू की, तो ये ओवरव्यू दिखा रहा है इसका मतलब गाइस मेरे सबसे ये पूरा वापस से दिखाएगा, फिर 1 साल का दिखाएगा वो तो खैर मुझे यहाँ पर नहीं पता, लेकिन अगर मेरे सबसे पूरा दिखा रहा है तो अभी हम लोग देखते हैं पूरा क्या दिखाता है ये। तो यहाँ पर ऐसा है कि मैं जब भी यहाँ पर बैटल रॉयल की BR खेलता हूँ अभी सोलो, तो गाइस हमारे जो यहाँ पर गेम मैंने खेला हूँ यहाँ पर 800 पहुंचने वाले हैं विंस यार, बहुत ही ज्यादा कम होता है भाई मैं क्या करूँ, लेकिन एलिमिनेशन के जो हमारे यहाँ पर 1000 के ऊपर जा चुके, बिकॉज मैं सोलो में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से किल कर लेता हूँ कभी कभी, कितनी बातें यहाँ पर 0 किल पे यहाँ पर गेम को अलविदा करना पड़ता है। फिर गाइस डुओ की बात करी जाए तो मैं यहाँ पर गेम में यार अच्छी तरीके से यहाँ पर खेल रहा हूँ, यहाँ पर विंस तो यार बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन एनिमेशन में यहाँ पर 800 के आसपास है, लेकिन जो स्क्वाड है वहाँ पर पूरा गेम पलट देता है, बिकॉज मैंने यहाँ पर गेम खेला है 774 विंस मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से किया, लेकिन जो एलिमिनेशन मैंने किया वो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 2500 तक यहाँ पर कर दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल्स के अंदर, तो सोलो के अंदर डिटेल्स जो है वो यहाँ पर टॉप 10 में यहाँ पर पहुंचता रहता हूँ खैर, एंड मैं यहाँ पर रूट किल्स भी करता हूँ, हेडशॉट भी मैं यहाँ पर मारता रहता हूँ, लाइक कम नहीं है भाई, और एक्सप्लोरेशन का टैग मिला है मुझे। देन मैं यहाँ पर टॉप 5 भी यहाँ पर मारता रहता हूँ, देन यहाँ पर रूट किल हेडशॉट में मारता रहता हूँ, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन और टैक्टिक मुझे दोनों मिला है। यहाँ पर स्क्वाड की बात करिए तो मैं यहाँ पर टॉप 3 भी मस्त पहुंचते भाई, हम लोग हेडशॉट भी लगते रहते हैं भाई, हमारे यहाँ पर नॉकडाउन में बहुत होता हूँ क्या मैं मेरे हिसाब से। अब बात कर लेते हैं CS रैंकेड की, तो गाइस अगर हम लोग CS रैंकेड नहीं, मेरे सबसे क्लैश स्क्वाड नॉर्मल है मेरे हिसाब से, लेकिन दोनों मिला के होगा जिसमें मैंने यहाँ पर गेम खेले गए यहाँ पर 2200 से भी ज्यादा विंस मैंने यहाँ पर 1300 से ज्यादा किए हैं। देन एलिमिनेशन रेट मैंने पर 11000 किए भाई, इतने ज्यादा, एंड मेरा नॉकडाउन भी यहाँ पर 10000 से भी ज्यादा बार हुआ, लेकिन विन रेट हमारा बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा 50 के ऊपर, क्वार्टर किल मैंने यहाँ पर 193 के आसपास किया, MVP भी मैं बहुत ज्यादा बनता हूँ 1000 के ऊपर बनाऊ में, एंड इसलिए हम लोग को यहाँ पर दिया गया लीडर एंड प्रेडेटर का यहाँ पर टैग दिया गया है। एंड हम लोग अभी बात कर लेते हैं रोल वुल्फ्रेड रैंकेड की, तो हम लोग ने यहाँ पर गेम ज्यादा नहीं खेले, लेकिन एलिमिनेशन मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा किए हैं 14 मैच के अंदर अंदर, एंड आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर 13 हेडशॉट मारे हैं जो कि यार बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ऑनर्स को मेरा यहाँ पर हमेशा 100 ही रहता है, एंड गाइस यही थी मेरी यहाँ पर प्रोफाइल।
अब बात कर लेते हैं इस कैरेक्टर सेक्शन की। लाइक कैरेक्टर सेक्शन में मेरे पास पहले बिल्कुल भी कैरेक्टर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब गैस मेरे पास सभी कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद है। बस गैस जो नए नए कैरेक्टर आते हैं उन लोगों को छोड़कर, लाइक जो एक टाइम पर यहाँ पर लेजेंडरी कैरेक्टर हुआ करते थे वो भी गैस मेरे पास है, जो कि यहाँ पर लेजेंडरी नहीं हुआ करते थे वो भी गैस मेरे पास है, लेकिन जो नए कैरेक्टर वो मेरे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर लूना और मेरे पास तत्सुया नहीं है, लेकिन तत्सुया भी जल्दी मिलने वाला है। बाकी अगर हम लोग बात कर लेते कि मैं यहाँ पर कब किस किस को यहाँ पर यूज करते थे, लाइक प्रीमियस और नूला का तो यूज करते थे हम लोग, लेकिन मैं यहाँ पर वुल्फ्रा को मुझे यहाँ पर पसंद था बिकॉज यहाँ पर वो गेमर है, इसलिए मुझे यहाँ पर वुल्फ्रा पसंद था। फिर फोर्ट को मैं यहाँ पर यूज करता था अपनी यहाँ पर जोन के लिए, एंड वैसे मैं यहाँ पर मोको यूज करता था। देन उसके बाद रफाइल भाई अपना साइलेंट किलर, भाई साइलेंट किलर मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर काम आता था। लाइक जोसेफ तो मुझे अभी मिला है, लेकिन अलवारो भी मुझे यहाँ पर पसंद था एक टाइम पर। लाइक फिर अपने पास गए और भी बंदे, लाइक आलोक तो यार मुझे अभी अभी मिला, लाइक एक टाइम उसकी डिमांड हुआ करती थी तब मेरे पास नहीं था, दैट्स व्हाई मुझे आलोक यहाँ पर मैंने अभी तक यहाँ पर यूज नहीं किया। ओलिविया भी गाइस मेरे पास है, ओलिविया को मैंने यूज किया। कैली गाइस अपनी जो कैली है, मैंने सबसे सबसे पहले इसका यहाँ पर एलीट वर्जन आया था पूरे कैरेक्टर के अंदर, तो मुझे कैली भी बहुत ज्यादा पसंद थी, एंड मैक्सिम भी मैं आज भी यूज करता हूँ। एंड वैसे अपने पास जो मिशा है वो भी मैं यहाँ पर कभी कभी यूज करता हूँ, अभी भी यहाँ पर इसकी एबिलिटी लगी हुई है के अंदर। लेकिन जो अपना लुकवेट है वो गाइस मेरा पर वन ऑफ द फेवरेट एक टाइम पर हुआ करता था, मुझे नहीं पता भाई इतना ज्यादा फेवरेट क्यों था, लेकिन मेरा वन ऑफ द फेवरेट था भाई वो। फिर बात करी जाए मिग्यूल की, तो भाई मिग्यूल तो बहुत ज्यादा ओपी है। लेकिन जब से के इंट्रोड्यूस हुआ एंड मेरे पास आ गया था के, तब से मैं यहाँ पर मिग्यूल को लेता था बिकॉज यहाँ पर ईपी देता है, एंड वैसे ही मैं यहाँ पर एंटोनियो के भी लेता था। लेकिन जो अपना हयातो है भाई, हयातो तो यार बहुत ज्यादा ओपी हुआ करता था जब मैं यहाँ पर न्यू बाय हुआ करता था। लेकिन हयातो तो ऐसा था कि लाइक आलोक के बराबर मैं ले लिए था। एंड जब कोरोना आया था तब उसकी एबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो मुझे यहाँ पर 7 days के लिए वो यहाँ पर मिला था, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन अभी परमानेंट है, लेकिन मुझे यहाँ पर पसंद नहीं है। फिर कैसे एंड्रयू, कैसे मेरा एंड्रयू यहाँ पर नंबर वन हुआ करता था जब मैं यहाँ पर फ्री फायर स्टार्ट किया था, बिकॉज यहाँ पर जो नए नए बंदे होते थे उन लोगों को यहाँ पर एंड्रयू मिला करता था, एंड जो बड़े बड़े बंदे हुआ करते थे उन लोग के पास आलोक होता था एक टाइम पर। एंड फिर जय भी कैसे यहाँ पर निकल चुका है, लेकिन कला भी कैसे हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद है। फिर वुकोंग भी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पसंद है, एंड के भी यार ऑब्वियसली मेरा नंबर वन है मेरे हिसाब से। अब बात कर लेते हैं मेरे यहाँ पर टॉप 5 ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर्स की, लग मैं यहाँ पर यार शक्ल के हिसाब से के सबसे सब चीजों का यहाँ पर मिला के ओवरऑल मैं मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ मेरे ओपिनियन के हिसाब से, तो 5th नंबर पे मैं रखूंगा यहाँ पर कोरोनो को, 4th में मैं यहाँ पर रखूंगा लुकवेटा को, 3rd पे रखूंगा हयातो को, एंड 2nd पे मैं रखूंगा एंड्रयू को, एंड 1st पे ऑब्वियसली के को। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अपने फैशन की, तो हमारे पास यहाँ पर बाल है 72, एंड अपने पास जो मास्क होते हैं वो यहाँ पर 45 है, अपने पास जो फेस पेंट है वो यहाँ पर 16 या ऐसा कुछ आसपास है, एंड फिर अपने पास जो शर्ट एंड जो टी शर्ट होते हैं वो 186 है, एंड जो अपने पास पैंट होती है वो यहाँ पर 104 है, एंड जो बूट्स है अपने पास वो यहाँ पर 92 के आसपास है। इनके सही बता दो आप, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपने जो फेवरेट फेवरेट जो बंडल है, अलग मैं यहाँ पर ओल्ड बंडल बोल रहा हूँ, लग जो पूरे पूरे बंडल होते हैं उसकी अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर गए मुझे यहाँ पर ये वाला बंडल जो है टुक्साडो बंडल वो मुझे पसंद था, देन उसके बाद गए मुझे यहाँ पर वैम्पायर एंड ईगल डस्क वाला भी मुझे यहाँ पर पसंद था, देन उसके बाद डॉक्टर रेड भी मुझे यहाँ पर पसंद था, फिर जो इतना वाइल्ड फायर वाला एंड जो नट कहकर वो मुझे पसंद है। उसके बाद पूरे बंडल की बात करी जाए तो मुझे यहाँ पर और कौन सा बंडल, ओके जो ये वाला बंडल है जो ये तुआल वाला है वो भी मुझे यहाँ पर पसंद था एक टाइम पर, एंड सही बताओ तो फिर पूरे बंडल नहीं, लकी कोई भी अच्छा था, एंड जो जैकेट है वो मुझे यहाँ पर पसंद था वो एक और एक का। दैन उसके बाद कैसे मैं यहाँ पर जब न्यू बैठा तो मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर पीना रहता था, ओके रेड चिली भी मुझे यहाँ पर पसंद है, पूरा बंडल पसंद है वैसे तो मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो पसंद है। बाकी मेरे पास बहुत ज़्यादा टी शर्ट ये जैकेट अपने पास है, लाइक वन पेच मैन की बुया डे की, एंड जो स्माइली इमोजीज थे वो भी गाइस अपने पास यहाँ पर है, एंड अपने गर्ल कैरेक्टर के मंडल वो भी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पड़े हुए, लेकिन मैं यहाँ पर गर्ल कैरेक्टर जल्दी यूज़ नहीं करता। तो हम लोगों ने यहाँ पर फैशन की यहाँ पर बात कर ली, लेकिन अब हम लोग जाते हैं इमोट सेक्शन की ओर। लाइक इमोट गज मेरे पास यहाँ पर टोटल 17 है, लेकिन मेरे पास 17 नहीं 16 थे भाई, मुझे याद नहीं रहा, ओके एक जो है गज यहाँ पर परमानेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए है, एंड कुछ दिनों के हिसाब से गज अपने पास यहाँ पर 16 है। लाइक मैं यहाँ पर सबको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन जो 8 मैंने यहाँ पर लगा के रखे, लेकिन उसके उसमें भी हम लोग को यहाँ पर ये वाला बटन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद है, कि जो वो इमोट है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मून फ्लिप वाला जो कि मैंने गलती से ले लिया था। अब बात कर लेते कलेक्शन थी, तो अपने पास यहाँ पर बैग यहाँ पर मस्त तरीके से यहाँ पर पड़े हुए रहते हैं, लाइक अपने पास बैग ही बैग यहाँ पर पड़े हुए आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें भी हम लोग यहाँ पर थोड़े थोड़े बैग यहाँ पर पसंद है, जो कि यार एकदम अच्छी तरीके से अपने फैन बेस जमा के रखे हैं मेरे दिल में। लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करा करता, लाइक ये वाला बंदल तो मैं यहाँ पर नहीं यूज़ करता था बैग, मेरे हिसाब से पंक्स्टर मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर यूज़ करा करता था, एंड ओके मेरे हिसाब से ओके जो डीनो वाला है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लेके रखा है। वन पंच मैन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था भाई, लाइक वन पंच मैन में तो मेरे पास ऐसा पहला था जो कि एकदम यहाँ पर यूनिक हुआ करता था, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पर वन पंच मैन वाला सबसे ज़्यादा पसंद हुआ करता था एक टाइम पर। अब बात कर लेते हैं लूट बॉक्स की, तो गाइस मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर लूट बॉक्स पसंद था वन पंच मैन वाला या साइतामा वाला, यार ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद था एक टाइम पर। देन उसके बाद उसके बाजू वाला भी मुझे पसंद था, लेकिन मुझे गाइस सबसे ज्यादा पसंद था ये वाला बुइया वाला विनर विनर चिकन डिनर वाला, तो ये वाला तो गाइस मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ करता था, एंड जो ये रिसाइकल वाला है एंड जो बीच वाला है मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, एंड जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया वो भी अच्छा था। देन पैराशूट की बात करें तो मुझे सभी पसंद है भाई, नॉर्मल ही है भाई सभी, लेकिन उसमें से भी अपने यहाँ पर पकड़ बना लेते हैं, लगे हेलोवीन वाला है या फिर ये एंडलेस ऑब्लिविशन वाला है जो कि मुझे यहाँ पर पसंद हुआ करते थे। बाकी यार असैसिन्स क्रीड वाला भी थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पैराशूट में मजा कभी आया नहीं। लेकिन अभी बात कर लेते हैं सर बोट की, तो हाँ इसके अंदर मुझे यहाँ पर थोड़े थोड़े पसंद है, लाइक मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर पसंद है लाइटनिंग यूटोपिया वाला ये वाला सर बोट, एंड एक और डेस्क यूटोपिया वाला मुझे यहाँ पर ये वाला पसंद था
एक टाइम पर। एंड गाइस मुझे ये वाला तो बहुत ज्यादा पसंद है भाई, ग्लाइडर वाला, जो कि मैं बहुत पहले यूज करा करता था। एंड ना ये भी मुझे अब थोड़ा बहुत यहाँ पर पसंद है, लेकिन गाइस सही बताओ तो आप लोगों को लग रहा होगा इसके अंदर कोई डिजाइन विजाइन तो है नहीं, लेकिन फिर भी गाइस मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पसंद था एक टाइम पर मुझे। व्हीकल्स की बात करें तो अपने पास यहाँ पर लैम्बोर्गिनी की यहाँ पर 7 यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी कलेक्शन, लेकिन मुझे यहाँ पर मैकलरन वाली सबसे ज्यादा यहाँ पर पसंद है, बिकॉज इसके अंदर एट्रीब्यूट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़े हैं भाई। मेरे सबसे सबसे पहले ये वाली चीज है जो कि यहाँ पर इसके अंदर एट्रीब्यूट्स है, सबसे पहले व्हीकल। देन बाइक में मुझे यहाँ पर फ्लेमिंग हाइड्रा यहाँ पर पसंद है, लेकिन स्नो वाली गाइस मुझे अभी अभी मिली इसलिए मुझे इतना पसंद यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन फ्लेमिंग हाइड्रा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लाइक मॉन्स्टर ट्रक तो यार हमेशा आई ही करते थे, तो मेरे सबसे कोई भी मेरी ऐसा सब ये फेवरेट नहीं है मेरे लिए कोई भी मॉन्स्टर ट्रक, बट फिर भी मैं यहाँ पर ये वाली यूज़ करता हूँ। देन पिकअप ट्रक की बात करी जाए तो गाइस मुझे ये वाली पसंद है, मैं यहाँ पर इसको गोल्ड में खरीदा था, लेकिन मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर ये स्टॉर्म ब्रेकर वाली मुझे यहाँ पर जीप पसंद है, लेकिन अपने पास यहाँ पर 4 है परमानेंट। देन एम्फीबियन की मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन टुक टुक की गाइस मेरे पास यहाँ पर है, लाइक टुक टुक की मेरे पास एक ही स्किन है जो कि अच्छी है। अब बात करेगा इस पिन की, तो गाइस मुझे पिन में गाइस सबसे पहला मेरे सबसे जो पिन मुझे मिला था वो था गाइस ये वाला लेजेंडरी कोबरा वाला पिन। एंड गाइस मुझे एक वाला पिन यहाँ पर पसंद है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था एक टाइम पर, जो कि था ये वाला लाइक सेबर टूथ, मेरे सबसे इसका नाम है सेबर टूथ ही, लेकिन जो लेजेंडरी कोबरा है वो लेजेंडरी ही रहेगा मेरे लिए भी। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं अवतार के बारे में, अवतार नहीं अवतार के बारे में। ओके तो अवतार के अंदर गाइस मुझे यहाँ पर हीरोइक के अवतार गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर अच्छे लगा करते थे, लाइक मैं उसको यहाँ पर यूज़ करा था, बिकॉज हीरोइक तो अपनी बात ही थी, ये वाला मैं यूज़ करता था अभी अभी। देन हम यहाँ पर ये वाला भी यूज़ करता था क्रीड वाला, असासिन्स क्रीड वाला। देन उसके पास हम लोग अभी बहुत सारे यहाँ पर यूज़ करा करते थे, लाइक एक और एक था ओके ये वाला देखो, ये महल वाला जो है ना जिसका नाम है गाइस फार अवे सेरेनिटी, ये भी मैं यहाँ पर यूज़ करा करता था एक टाइम पर। देन ये सब मेरे फेवरेट फेवरेट हुआ करते थे एक टाइम पर, लेकिन हाँ ये जय वाला भी कहते, इसके लुक्स की वजह से भी मैं यहाँ पर रखा करता, लाइक ऋतिक रोशन तो आपको पता है कितना ज्यादा तगड़े, लुकोटा को भी मैं लुक्स की वजह से रखा करता था एक टाइम पर प्रोफाइल पर। देन मुझे आलोक वालक तो अभी मिले, लाइक मैं यहाँ पर रूबी वल्वरविन भी यहाँ पर रखा करता था एक टाइम पर अपनी प्रोफाइल के ऊपर। एंड जो हीरोइक वाला है वो तो यार मुझे पसंद लगी, जो चील वाला है ये वाला ये वाला, लेकिन जो ब्लैक वाला था सीजन 7 वाला मुझे अभी तक सबसे ज्यादा हीरोइक का अच्छा वाला अवतार लगता है। और बैनर की बात करी जाए तो कैसे जो स्टाइलिश बैनर होते हैं उसके अंदर कैसे हमारा जो नाम होता है हमारा गाइड का नाम होता है यार ये सब दिखता ही नहीं है, नहीं यार लेवल वेवल दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पर हीरोइक वाला रखता हूँ। इससे बताता है हम लोग कोई एक ही मैं यहाँ पर यूज कर करता था जिसके अंदर कैसे हम लोग यहाँ पर नाम वाम अच्छी तरीके से दिखते थे। डिफॉल्ट वाला मैं यहाँ पर यूज कर सकता, लेकिन मैं मुझे यहाँ पर बॉल अच्छा लगता बिकॉज उसके अंदर यार अच्छा दिखता था, लेकिन ये वाला रहा जी अल्ट्रासोनिक रे वाला, इसके अंदर मेरा नाम भी अच्छा दिखता है, लाइक अपना हीरोइक भी दिख जाता है, एंड अपना जो अपना गाइड का नेम है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखता है। एंड ये जो हीरोइक वाला अपना जो अवतार है उसके साथ ये मैच भी करता है। फिर म्यूजिक की तो हम लोग को यहाँ पर बात करने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पर टडनेस वाले बार पसंद है। एंड का जो नया वाला है 2018 वाला वो भी मुझे पसंद है, लेकिन मेरे पास 2018 वाला यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ है, वही मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पर गम वाली बात है। अदर्स में अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो हम लोग को अदर्स में यहाँ पर हर एक चीज़ में मिला करती थी एक टाइम पर, लगे एवोल्यूशन स्टोन का मेरे पास है जिसको हम लोग यहाँ पर आलू बोलते थे, वो मेरे पास यहाँ पर 4 पड़े हुए, लाइक मेरे पास फ्रेगमेंट्स भी यहाँ पर मैजिक क्यूब की 44 एंड गाइस अपने पास यहाँ पर मैजिक क्यूब है भाई, यहाँ पर दो दो इनक्यूबेटर की भी यहाँ पर दो दो टिकट आप लोगों को मिल जाएगी, यहाँ पर नीम चेंज कार्ड भी गाइस मेरे पास जो कि 5 पड़े हुए हैं। मैजिक क्यूब तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हीट हुआ करता था, बट यार मुझे आजकल अभी मैजिक क्यूब इतना अच्छे तरीके से नहीं लगता। एंड गाइस मेरे पास यहाँ पर टोकन्स भी यहाँ पर पड़े हुए, लाइक गन वाले मेरे पास टोकन यहाँ पर पड़े हुए जो कि मैंने यहाँ पर क्लेम करके मेरे सबसे रख लिए, लेकिन ये वाली ग्रीन फिशर की मेरे पास नहीं है भाई, ये कौन सा टोकन मेरे पास पड़ा हुआ है। देन बक्से का अपने पास अब इवोकन के हैं, गाइस इलाइट पास वाला भी गाइस अपने पास यहाँ पर रखा हुआ है जो कि मुझे यहाँ पर शेकी शेकी इमोट यहाँ पर चाहिए भाई मेरे पास, और गाइस अपने पास कैरेक्टर वाले लगे 14 या 7 डे के नहीं, अपने पास परमानेंट वाला भी अलग मैं एक ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर सभी कैरेक्टर है तो मैं यहाँ पर क्या लेके करूँगा। देन बंडल में मैं आपको यहाँ पर येलो वाला बताया कि मैंने यहाँ पर अनलॉक नहीं किया, लेकिन ये वाला तो आप लोगों को पता होगा अभी अभी का इलाइट पास है। अपने पास कार्ड भी गए पर पड़े हुए हैं जो कि एक्सपी कार्ड भी अपने पास साथ में है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पेट सेक्शन की, तो पेट के अंदर हम लोग यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर मिला करती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके नाम यार एकदम यहाँ पर विचित्र विचित्र रखा हूँ, तो यार प्लीज़ यहाँ पर सॉरी मैं आप लोग बोल देता हूँ। लेकिन अपने पास द पांडू है, फिर अपने पास ये मैकेनिकल पिकअप है जिसका मैंने यहाँ पर नाम रखा हूँ निकल बे, फिर मैं अपनी ये बिल्ली का नाम रखा हूँ यहाँ पर मियाँ जो कि एकदम साधारण सा नाम है, फिर अपनी शीबा का नाम मैं यहाँ पर कुतरी रखा हूँ, मुझे नहीं पता मगर मैंने क्या सोच के रखा था। फिर फॉक्स का नाम यहाँ पर फॉक्सी रखा हूँ, लग गया अच्छा नाम है मेरे हिसाब से, तो फॉक्सी। अपने पास है यहाँ पर वैग गॉड जो कि मैंने इसका नाम रखा हूँ यहाँ पर पेंगुइन, जो कि यार एकदम नॉर्मल है भाई बिकॉज यार पेंगुइन तो पेंगुइन ही है। फिर अपने पास मूनी है जिसका मैंने यहाँ पर नाम रखा हूँ जॉनी, मुझे नहीं पता है पर मैंने यहाँ पर जॉनी क्यों नाम रखा हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसे मैंने रख दिया। फिर अपने पास येटी है जिसका नाम मैंने रखा हूँ दानव, वहाँ भाई रियल में तो दानव है ना ये। एंड ये अपना तुरतुर है गाइस जिसका मैंने यहाँ पर टर्टल की वैसे यहाँ पर इसका नाम तुरतुर यहाँ पर रख दिया। फिर अपना शार्क होगा जो कि यहाँ पर सबसे तगड़ा मेरे हिसाब से यहाँ पर दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जिगन शार्क वाला इसका नाम यहाँ पर शार्क को रख दिया। एंड अपने पास यहाँ पर ड्रैग की जो कि तगड़ा बंदा है भाई, तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ ऑल टाइम के यहाँ पर 5 फेवरेट वाले पेट्स की जो कि मेरे पास ओल्ड है, लगे मेरे पास जो नहीं है उसकी मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर 5वें नंबर पे 2 लोग का रखना चाहूंगा, एक एक यहाँ पर मुनी वाला पेट एंड एक एक यहाँ पर शार्क वाला पेट।
चौथे पे मैं रखना चाहूँगा इसमें यहाँ पर मैकेनिकल पप को, जो बिकॉज ये वाला जो पेट था वो मुझे यहाँ पर ऐसा पहला वाला पेट मिला था जो कि एकदम अलग दिखता था बाकी सब पेट से। थर्ड पे मैं यहाँ पर रखूंगा कीटी को, बिकॉज मुझे यहाँ पर कीटी बहुत ज्यादा पहले यहाँ पर मिल गई थी जब मैं यहाँ पर शुरुआत किया था ये वाली आईडी में, लग मुझे जल्दी मिल गई थी ये वाली पेट। सेकंड पे मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा वैगोर को, बिकॉज वैगोर की जो एबिलिटी वो मैं यहाँ पर आज भी यूज करता हूँ, सबसे ज्यादा अच्छी एबिलिटी मुझे लगती है पूरे पेट सेक्शन में। फर्स्ट पे मैं रखना चाहूंगा अपने पांडा वाले पेट को, बिकॉज जो ऐसा वाला मुझे पहला पेट ऐसा मिला था जिसके अंदर एबिलिटी थी, यस गाइस उसके अंदर एबिलिटी थी, मेरे सबसे कीटी एंड मैकेनिकल पॉप के अंदर एबिलिटी नहीं होती है। एंड मैंने यहाँ पर किटी को इसलिए थर्ड पे रखा बिकॉज यहाँ पर थर्ड पे तो वो मेरे सबसे अच्छा रखती है, बिकॉज मेरी सबसे ऐसी पहली पेटी जो मुझे यहाँ पर मिली थी वो फर्स्ट पेटी। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर वेपन सेक्शन की, तो अपने वेपन में कैसे अपने पास यहाँ पर राइफल की कैसे यहाँ पर गन हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले अपने पास है M4A1 की 5 यहाँ पर रियल रियल स्किन है जो कि परमानेंट अपने को मिलेगी। AK-47 की अपने पास यहाँ पर 7 स्किन पड़ी हुई है AK-47 की। देन M14 की अपने पास यहाँ पर 4 परमानेंट पड़ी हुई है, एक तो यहाँ पर टाइम लिमिटेड है, फिर अपने पास कारल की 4 यहाँ पर परमानेंट पड़ी हुई है। ग्रोजा की अपने पास यहाँ पर 3 परमानेंट यहाँ पर रखी हुई है, बिकॉज बहुत ज्यादा अच्छी बात है। फार्मास की यहाँ पर 2 ही रखी हुई है। देन XM8 की 1 ही रखी हुई है। AN-94 की यहाँ पर हम लोग को 3 परमानेंट मिली जो कि मेरे सबसे कम है। एंड गाइस प्लाज्मा की अपने पास सिर्फ 1 है जो कि मुझे ये वाले लाइट पास में मिली थी। ऑक के अपने पास 2 ही है। फराफल की अपने पास 1 है जो कि टाइम लिमिटेड है। फिर अपने पास किंगफिशर की 1 भी नहीं है, लेकिन G36 की 1 है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अभी यहाँ पर मार्क्समैन राइफल की, जो कि यहाँ पर SKS अपने पास है, जो कि यहाँ पर 3 ही अपने पास यहाँ पर परमानेंट अपने पास इसके इधर है। SVD की 2 है जो कि मेरे सबसे सबसे ज्यादा लेजेंड वाली स्किन है अपने पास। वुड पिकर की 1 ही अपने पास है। AC-80 की 1 है। मशीन गन की बात करी जाए तो अपने पास M249 की 1 है। देन M60 की अपने पास यहाँ पर 2 पड़ी हुई है। एंड कॉर्ड की अपने पास 1 ही है। एंड से अपने पास यहाँ पर मार्क्समैन राइफल है, मशीन गन में हर एक चीज की यहाँ पर स्किन पड़ी हुई है। देन UMP की 5 है, MP5 की 4 है, VSS की सिर्फ 1 ही अपने पास है, MP40 की मुझे ये सीजन में सबसे मिली 1 है, जो कि P90 2 है अपने पास। देन उसके बाद थम्सन अपने पास 2 पड़ेगा भी परमानेंट, जल्दी पहले मिलती नहीं थी यहाँ थम्सन, लेकिन अभी अपने पास 2 पड़ी हुई है। फिर अपने पास शॉटगन की बात करें तो अपने पास M10 यहाँ पर 2 पड़ी हुई है। देन उसके बाद स्पास बार अपने पास 4 मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर 4 स्पास बार पड़ी हुई अपने पास, लेकिन MAK-7 भी अपने पास 2 है। अब जाते हैं आप लोग यहाँ पर स्नाइपर पे, तो अपने पास यहाँ पर 1 IWM के यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर Kar-98 के यहाँ पर 3 पड़ी हुई है। मैं यहाँ पर Kar-98 ज्यादा यूज भी नहीं करता। फिर अपने पास पिस्तौल है अलग, अपने पास G18 की 2 नहीं भाई, 1 ही है। M500 के अपने पास 2 है। एंड फिर अपने पास यहाँ पर 2 जो आई थी गन जो कि मेरे पास 1 ही है भाई यहाँ पर इसकी स्किन। एंड मिनी यूजी जो आई थी गन जो नई नई अभी यहाँ पर आई है जो कि टाइम हो गया, लेकिन फिर भी अपने पास 1 पड़ी हुई है। मिली सेक्शन में कैसे अगर हम लोग देखें तो मुझे यहाँ पर पैन सबसे ज्यादा पसंद है, स्किन का अपने पास यहाँ पर 12 पड़ी हुई अपने पास स्किन, लेकिन जो ये वाली स्किन है वो मुझे सबसे ज्यादा तगड़ी लगती है हर टाइम पे। अपने पास गोल्डन ब्लेड यहाँ पर 6 पड़ा हुआ है, गोल्डन ब्लेड है भाई परांग पड़ा हुआ है। फिर अपने पास बैट जो है पर 9 पड़े हुए है। बेलन लाख लोग ने अच्छी बात कही थी, कटाना का अपने पास यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है। कटाना के लिए मैं यहाँ पर कितनी ज्यादा मशक्कत करता, कटाना था ही नहीं अपने पास। एंड अपने पास साइथ भी यहाँ पर पड़ा हुआ है जो कि मुझे यहाँ पर अभी अभी मिला है, अभी भी अभी यहाँ पर कोई इवेंट आया था साइथ हम लोग यहाँ पर मिल जाता है। FF9 की भी अपने पास 1 पड़ी हुई है, डैगर वॉरियर डैगर। फिस्ट अपने पास 0 है, ग्रेनेड अपने पास यहाँ पर 13 पड़े हुए। एंड अपने को यहाँ पर सबसे ज्यादा तगड़ा वाला यहाँ पर ग्रेनेड जो था वो यहाँ पर रेटी वाला था, लेकिन मैंने यहाँ पर डाउनलोड क्यों नहीं हुआ भाई, मेरा यहाँ पर डाउनलोड यार अपने आप यहाँ पर डिलीट हो गया था गाइस, मेरे सबसे कोई प्रॉब्लम आया था फ्री फायर के अंदर। तो ये टी गाइस ये रहा अपने पास, ये टी वाला मुझे सबसे ज्यादा पसंद था हर टाइम तक। एंड बुया डे वाला भी मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत पसंद था, इंडिया वाला जो अपना पंपकिन वाला वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छे इसके एट्रीब्यूट्स थे वैसे। फिर ग्लू वाल अपने पास 4 पड़े हुए, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर मल्टी भी रख सकते वैसे, लेकिन यहाँ पर ग्लू वाल बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर मिला नहीं करते थे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं, लेकिन 4 अपने पास है। M79 की 1 परमानेंट पड़े हुए, अपने पास हर सेक्शन में 1 ना 1 परमानेंट यहाँ पर रखी हुई है। तो अगर हम लोग यहाँ पर हर एक सेक्शन में मेरे यहाँ पर फेवरेट गन जानना चाहेंगे तो अपनी गाइस राइफल में गाइस यहाँ पर सबसे फेवरेट यहाँ पर ग्रोजा हम लोग निकालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर मशीन गन में गाइस मेरे सबसे M60 मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। देन मार्क्समैन राइफल में अपनी यहाँ पर SVD मेरे सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट है। देन उसके बाद अपनी SMG में गाइस मेरे सबसे MP5 मेरी फेवरेट है। शॉट गन में अपनी M1887 है, स्नाइपर में AWM है, पिस्तौल में गाइस मेरे सबसे M500 है मेरी फेवरेट। मिली में तो ऑब्वियसली पैन है, देन उसके बाद ग्रेनेड तो गाइस ऑब्वियसली सब वही चीज है। अगर हम लोग अभी जाते हैं ऑल के अंदर तो ऑल में गाइस अपने पास यहाँ पर 124 यहाँ पर स्किन पड़ी हुई है जो कि यार बहुत ही ज्यादा है मेरे हिसाब से, बिकॉज मेरे पास पहले बिल्कुल भी स्किन नहीं हो गई थी। आर्टिफैक्ट में गाइस मेरे पास 1 भी नहीं है, लेकिन ब्लू फ्रेम ड्रैको आने वाली थी लेकिन नहीं मिली यार मुझे वो। मिथिक में गाइस मेरे पास 14 यहाँ पर पड़ी हुई है, एपिक में 42 है, 67 गाइस अपने पास यहाँ पर रेयर गन पड़ी हुई है। अनकॉमन कौन सी भाई, अनकॉमन ग्रोजा यहाँ पर अनकॉमन कैसे होगी मुझे यहाँ पर, कौन सी स्किन में यहाँ पर अनकॉमन मिली भाई, ये कौन सी स्किन है जो अनकॉमन यहाँ पर पड़ी हुई है मेरे पास। देन ईवोगन में तो गाइस हमारे सबके पास में सबसे सबके पास जो जो यहाँ पर खेला करते थे वो टाइम पे गेम, तो उस लोगों के पास यहाँ पर एक ही ईवोगन यहाँ पर मिली होगी, अभी फ्री में मिली थी जो कि थी यहाँ पर UMP बुया डे वाली, जो कि एकदम फ्री में हम लोग को यहाँ पर क्लेम करके मिली थी। वैसे मैं यहाँ पर इसको भी डायलोड नहीं किया हूँ। मास्टरी सेक्शन में अगर हम यहाँ पर जाते हैं जो कि अभी अभी आया, तो उसके अंदर मैं यहाँ पर कौन सी गन ज्यादा यूज करता हूँ, तो कैसे यहाँ पर कैसे लिखा गया यहाँ पर M18 को मैं यहाँ पर 100 करके बाद भी यहाँ पर 32 तक यहाँ पर पहुंच चुका हूँ।
वो गज इसलिए बिकॉज गज मैं यहाँ पर यार इसको बराबर तरीके से यहाँ पर स्किन इसकी लेना चाहता हूँ बिकॉज मेरे पास इसकी स्किन नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इसको यहाँ पर ज्यादा यूज करता हूँ स्किन के लिए। AN94 में यहाँ पर 14 पहुंच चुके हैं 100 पार कर कर। देन मैं इन लोगों को यहाँ पर फेवरेट में रखा हूँ जो कि मेरे यहाँ पर फेवरेट है ग्रोजा है। देन MP5 गज मेरे हिसाब से ऑल टाइम मेरी फेवरेट है। M500 भी गज मैंने जैसे कहा था फेवरेट, लेकिन इसकी इतने ज्यादा परसेंटेज कैसे हो गए मुझे यकीन भी नहीं हो रहा ये बात। देन उसके फेवरेट में गज अपनी एक और एक आती है थम्सन नाम की जो कि यार ऑब्वियसली यार बहुत ज्यादा अच्छी है। वुड पिकर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वुडन पिकर यानी कि स्कारल भी गज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद थी एक टाइम पर। AWM भी गज मुझे यहाँ पर अभी भी पसंद है। SVD भी मुझे आज तक नंबर वन पे है मेरे लिए हर एक गन में। SKS भी मुझे यहाँ पर पसंद है। SVD की बात तो SKS ही ताकतवर है मार्क्समैन राइफल में। डीजल टैगल भी गज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पसंद है। AK-47 भी गज मुझे यहाँ पर पसंद है, लेकिन AK-47 गज यहाँ पर अच्छी तरीके से चलती नहीं है। उसके अंदर गज मेरे सबसे जो वो लाइक गन हिलने लगती है भाई मुझे नहीं पता। वेक्टर गज एक टाइम पे इसका जमाना कहता था डबल वेक्टर का, लेकिन आप लोग के पास अगर डबल वेक्टर तो आप घुस जाओ सीधा। प्लाज्मा मेरे सबसे गज यहाँ पर प्लाज्मा सबसे ज्यादा अंडर रेटेड मेरे सबसे गन है बिकॉज ये पहले बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। मैं इसको यूज भी करता लेकिन अभी उतना ताकतवर नहीं बची है, लेकिन फिर भी फेवरेट है गज मेरी। देन उसके बाद M249 गज चुकी है यहाँ पर इसके अंदर 100 MO होती है एक बार में। लगा आप लोग को रिलोड नहीं जरूरत ही नहीं, लग दफा दब इसको सीधा मार दो भाई बंदा खत्म हो जाएगा। फिर अपने पास यहाँ पर स्पास बार मेरी यहाँ पर फेवरेट थी, लगे एक मनी हाइस्ट नाम का उसके अंदर आया था मॉड सबसे उसके बाद ही गज अपनी यहाँ पर स्पास बार मेरी सबसे यहाँ पर फेवरेट बनी है मेरी। देन गज अपनी M60 को गज मैंने यहाँ पर फेवरेट बनाया है मेरे, लग जब गज मैं यहाँ पर न्यू बाय था फ्री फायर के अंदर लगे यहाँ पर 2019 या मेरे सबसे वही 2019 के आसपास गए जब यहाँ पर मैं M60 लिया लगाता था। एंड हाँ यार कार 98 को मैं यहाँ पर कैसे भूल सकता, लग मैं यहाँ पर पबजी खेला करता था तो मुझे यहाँ पर कार 98 बहुत ही ज्यादा पसंद थी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर फ्री फायर में भी कार 98 बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चलेगी, लेकिन नहीं भाई कार 98 फ्री फायर में भाई नल्ली गन है भाई नल्ली। बाकी गेम के अंदर बहुत सारी गन है लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं, लेकिन हाँ एक RGS-50 मैं यहाँ पर लिया करता हूँ कभी कभी, लाइक मिली वेपन नहीं जो शॉट गन जो छोटी वाली वेपन होती है पिस्तौल की जगह मैं यहाँ पर इसको लिया करता हूँ कभी कभी। बाकी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जितने की भी नाम बताया वो मेरे हिसाब से एकदम बहुत ज्यादा मेरे यहाँ पर फेवरेट है, लेकिन जो SVD है उसकी जगह यहाँ पर कोई नहीं ले सकता। अगर बात करें अपने कंट्रोल की तो मैंने यहाँ पर गाइस कंट्रोल को गाइस मैं यहाँ पर बदल के रखा था, लेकिन गाइस जब मैं सबसे मैंने यहाँ पर गेम डिलीट करके वापस लिया तब से मैं यहाँ पर कंट्रोल हिल चुके हैं। से बता तो यार ये बहुत ज्यादा मेरे सबसे वियर्ड बात है, लेकिन अगर आप लोगों को मेरे पहले वाले कंट्रोल देखने और आप लोग मेरे यहाँ पर पहले की वीडियो जाके देख सकते हो जब मैं यहाँ पर 2020 में फिर से यहाँ पर गेम के अंदर आया तो वो लेकर मेरे यहाँ पर जो कंट्रोल यहाँ पर सबसे अच्छी कंट्रोल थी वो। बात करी जाएगा अपने यहाँ पर सेटिंग्स की तो मैं यहाँ पर बेसिक को यहाँ पर एकदम नॉर्मल यहाँ पर रखा हुआ है, मुझे नहीं पता भाई यहाँ पर जल्दी मैं यहाँ पर सेटिंग में जाता हूँ नहीं। सेंसिटिविटी को मैंने यहाँ पर जल्दी अच्छी तरीके से नहीं रखा है वैसे। फिर क्या अपने यहाँ पर कंट्रोल्स जिसके अंदर मैं यहाँ पर M-16 यहाँ पर डिफॉल्ट रखता है जो कि ऑलवेज यहाँ पर नॉर्मल लोग रखते हैं। फिर अपने यहाँ अपनी सब चीज़ों को मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से ऑन ऑन करके रखा हूँ, ऑटो स्विच गन को मैं यहाँ पर ऑफ करके रखा हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इन गेम टीज को यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके रखा हूँ क्लासिक नहीं। देन ऑटो पिकअप तो गाइस मैंने यहाँ पर कितने साल बाद भाई यहाँ पर खोला है भाई ऑटो पिकअप का। मैंने यहाँ पर ऑटो पिकअप यार जल्दी देखता भी नहीं भाई मैं, यहाँ तो ऑटो पिकअप के सेक्शन को वैसे देखा जाए तो डिस्प्ले मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड करके रखा बिकॉज जो 3GB RAM के हिसाब से मेरे हिसाब से फ्री फायर 3GB RAM में नहीं चलता है मेरे हिसाब से। अगर हम यहाँ पर अल्ट्रा पर रखेंगे तो भाई बिल्कुल भी नहीं चलता भाई 3GB RAM में। आप लोगों को चलता है नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई 3GB RAM में चलता है नहीं, स्टैंडर्ड रखना पड़ता है मुझे। साउंड भी मैं यहाँ पर एकदम नॉर्मल रखता हूँ, वाइब्रेशन मैंने यहाँ पर ऑफ करके रख दिए है। नोटिफिकेशन भी भाई मैं एकदम अच्छी तरीके से रखता हूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आता नोटिफिकेशन का क्या करना है। देन उसके बाद एक और एक मेरे सबसे यहाँ पर सेक्शन है FF Max वाला जो कि मैंने पता नॉर्मल करके रखा हूँ, लॉबी स्टाइल डायनामिक रखा हूँ, ऑडियो स्टाइल यहाँ पर क्लासिक रखा हूँ, बाकी सब एकदम नॉर्मल है। देन अगर हम लोग इन गेम फ्रेंड्स की अगर बात करी जाएगा तो अपने पास यहाँ पर ज्यादा फ्रेंड तो खैर है नहीं, लेकिन अपने पास फ्रेंड यहाँ पर रखे हुए लाइक इतने अपने पास 14 ही फ्रेंड मैं यहाँ पर रखता हूँ, जिसमें से मैं यहाँ पर जल्दी किसी के साथ वैसे खेलता तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी यार ठीक ही है। और 14 में से भी यहाँ पर 2-3 लोग यहाँ पर 30 दिन से गेम में आई ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उन लोगों के साथ यहाँ पर गेम खेल ही नहीं पाता। लेकिन अपने डायनेमिक डुओ यहाँ पर अगर BUMC66786 लाइक हम लोग यहाँ पर 655 डेज से यहाँ पर डायनेमिक डुओ बन के बैठे हैं भाई, मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन इससे पहले भी कहते जो भाई थे उनके यहाँ पर एक और एक आईडी हुआ करती थी, लाइक हम लोग यहाँ पर बहुत पहले से खेल रहे भाई ये गेम, वो भी ये आईडी में लाइक 2 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन उनकी ये वाली आईडी थी Malik66786 वाली, लेकिन इनको भी यहाँ पर 30 दिन हो चुका है ये अभी गेम नहीं खेलते मेरे हिसाब से, सभी यहाँ पर गेम छोड़ ही रहे वैसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता इन सब चीज़ का। प्लाटून नाम की ये कौन सी चीज़ है भाई आई डोंट नो, प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स गाइस मेरे ये सब है एड में यहाँ पर किसी को जल्दी करता हूँ नहीं, लेकिन अपना नेटवर्क अब हम लोग यहाँ पर देखे तो आप लोग देख सकते हो मेरे हिसाब से नेटवर्क थोड़ा सा गलत है बिकॉज मैं जिन लोगों के साथ खेलता हूँ थोड़ा थोड़ा पीछे है। देन इलाइट पास के अगर बैच के यहाँ पर बात करी जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर पहली बार यहाँ पर इलाइट पास के यहाँ पर मिशन कंप्लीट किए भाई, और इनके सही बताओ तो हम लोग यहाँ पर एक डब्बा मिला करता है ये इलाइट पास वाला जो कि मेरे सबसे बहुत ज्यादा तगड़ा था, लगे अभी हम लोग को मिला चलो है, पहले यहाँ पर नहीं मिलता था ये। लेकिन गई जो गरीना वाले यहाँ पर सबसे बड़े यहाँ पर कमी ने बिकॉज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो नट क्रैकर बंडल इन लोगों ने दिया, लगे आप लोगों के पास भी एक बंडल होगा जो कि यहाँ पर घर में किसी के पास नहीं, दोस्तों के पास यहाँ पर किसी के पास भी नट क्रैकर बंडल, लेकिन ये मेरे पास था लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर सीधा सीधा दे दिया भाई सबको, लगभग यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं रखी भाई यहाँ पर नट क्रैकर बंडल की भाई, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सबको फ्री में दे दिया भाई, अभी तो
सबके पास है। मैं यहाँ पर पहले बोला करता कि नेट क्रैकर किसी के पास नहीं, भाई क्या करोगे आप लोग। लाइक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वीक टू में भी आप लोग को मिल जाएगा नेट क्रैकर। गरेना वालों की इतनी खुशी नहीं है, वीक थ्री में भी आप लोग को यहाँ पर नेट क्रैकर बंडल देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पर लाइट पास की चेस्ट नहीं लेकिन ये देखने मिलेगा, वो यहाँ तक भी खत्म नहीं होता भाई, वीक फोर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। बट ऐसी बात नहीं है कि अपने पास यहाँ पर नेट क्रैकर बंडल था जो यहाँ पर किसी के पास नहीं था, वैसे अपने पास है अलग लकी कोई है या फिर अपने पास जो रेड हॉट चिली बंडल या फिर बहुत सारे भाई मेरे पास ऐसे बंडल जो कि किसी के पास नहीं, अलग वाइल्ड फायर वाला भी अपना एक बंडल जो कि यहाँ पर किसी के पास नहीं अपने पूरे घर में। गाइड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैं यहाँ पर गाइड बदलता रहता था पहले, लेकिन अभी अपने यहाँ पर एकदम फिक्स आइडिया है, लाइक टीम बी 001 वाले लेवल 2 तक हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अपना जो स्लोगन है वो यहाँ पर वेटरन्स है, अपना नोटिस यहाँ पर वी आर इनविजिबल यहाँ पर किसने लिखा मुझे नहीं पता, डिफॉल्ट शायद से गाइड का लीडर यहाँ पर ऑब्वियसली मैं होने वाला हूँ। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से ज्यादा मेंबर्स भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 7 मेंबर्स ही है यहाँ पर टोटल। बाकी जो टूर्नामेंट सेक्शन है वहाँ पर मेरे सबसे हर फ्राइडे को खुलता है एंड सही बोलते तो यहाँ पर हम लोग को रूम कार्ड मिला करता था मुझे एक टाइम पर, यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर रूम कार्ड मिला करते बिकॉज मैं यहाँ पर कोई भी गाइड में घुस करता था जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर रूम कार्ड मिला करते थे। लेकिन मैं यहाँ पर जब से गाइड लीडर बनकर बैठा हूँ तब से मुझे यहाँ पर रूम कार्ड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तब से मैं यहाँ पर कस्टम यहाँ पर खेल नहीं पाता था। लगे यार मेरे सबसे बहुत ज्यादा मेरी सबसे सैड बात हुआ करती थी मेरे लिए। फिर अगर हम लोग यहाँ पर मॉड की बात करें तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर मॉड देखने मिले, अभी भी लगे एक्सप्लोसिव जब मैं यहाँ पर खेल कर रखा, लेकिन कॉइन क्रैश मैंने अभी तक यहाँ पर नहीं खेला नया है मेरे सबसे। सीएस स्ट्राइक मैं यहाँ पर खेला गया था, लाइक मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, बिग हेड मैंने खेला है, जॉम्बी वाला खेला है, कॉस्मिक रेसर भी खेला है। लाइक मेरे सबसे यहाँ पर पहले अच्छे अच्छे मॉड आए थे, लाइक जैसे गन किंग आया था सबसे ज्यादा मेरा सबसे मेरा वाला फेवरेट था, फिर मनी हाइस्ट वाला आया था, देन उसके बाद टीम डेथ मैच आया था, प्रे एंड स्प्रे में सबसे अभी भी आया था, लेकिन यार सब अच्छे थे यार पहले के टाइम पर। अब अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं कस्टम के यहाँ पर सेक्शन में, अगर हम लोग यहाँ पर जाके देखते तो आप लोग देख सकते हो अभी भी मैंने यहाँ पर 1 रखा हुआ बिकॉज मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी कस्टम कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 1 रखा है बिकॉज यार एक ना एक तो रहना चाहिए। फिर अपने पास यहाँ पर पैट रंबल भी यहाँ पर 4 पड़े हुए भाई बिकॉज मैं यहाँ पर पैट रंबल खेलता हूँ नहीं, लेकिन अपने पास यहाँ पर पैट मीनिया के यहाँ पर 2 पड़े हुए और एक चीज थी भाई क्राफ्टलैंड नाम का जो कि यहाँ पर एकदम नीचे लिखा हुआ है 15 अगर मेरे पास यहाँ पर, लेकिन मैं इसको खेलता नहीं होता यार, यहाँ पर यूज करके मैं करूंगा भी क्या, आप लोग भी यहाँ पर सोच सकते हो। जब अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी चीज का यहाँ पर यूज नहीं करते हो तो यार आप लोग यहाँ पर खेलोगे क्यों भाई, बिकॉज यार कस्टम ही सही था भाई, क्राफ्टलैंड के लोगों ने मेरी सबसे गलती करी। अब बात कर लेते हैं अपने लक रॉयल की, लक रॉयल के अंदर मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली, लाइक मैजिक क्यूब मिला है, हम लोग को अच्छे बंडल मिले हैं, गोल्ड रॉयल के अंदर भी मिलते रहते थे, डायमंड रॉयल में भी मिलते रहते थे, एंड हम लोग को गन स्किन भी मिलती थी वेपन रॉयल के अंदर। वैसे डायमंड रॉयल यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा मेरे सबसे हुआ करता है, एंड वेपन रॉयल भी सबसे ज्यादा अच्छा हुआ करता है बिकॉज वेपन रॉयल के अंदर हम लोग को और भी यहाँ पर स्किन देखने मिलती थी अलग अलग गन्स की। क्यूबिटर में मैंने यहाँ पर एक ही चीज निकाली आज तक जो कि थम्सन वाली स्किन थी, हॉल ऑफ लाइट्स लगे इन लोगों ने मेरी सबसे गलती करी। वैसे गलती भी इन लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कह नहीं सकते इन लोग की गलती को, बिकॉज यहाँ पर गलती तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह सकते मेरे हिसाब से, बिकॉज यहाँ पर इलाइट बस जा रहा है तो भाई यहाँ पर लाने की जरूरत थी इन लोगों को। तो इन माय ओपिनियन का यहाँ पर इन लोगों ने हॉल ऑफ इलाइट को लगा मेरे सबसे यहाँ पर सही किया बिकॉज यहाँ पर बैच जा रहे तो फिर यहाँ पर इलाइट पास की भाई जरूरत थी भाई लोगों को यहाँ पर। बाकी लक रॉयल के अंदर एक बंडल आया था एक टाइम पर, लगे स्ट्रीट डांसर मेरे सबसे एक बंडल था जो कि मेरे सबसे बहुत ज्यादा मेरा यहाँ पर फेवरेट बंडल था जो कि गोल्ड रॉयल में मेरे सबसे आया था, एंड मुझे यहाँ पर बोला चाहिए था लेकिन मुझे कभी मिला नहीं। वैसे यार वो यहाँ पर कब आया था वो तो मुझे खैर यहाँ पर याद नहीं बिकॉज मैं यहाँ पर जब खेला करता था जब यहाँ पर शुरुआत में गेम खेला करता तो मैं यहाँ पर ये सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान देता ही नहीं था कि यहाँ पर लक रॉयल कोई है या तो यहाँ पर मिशन है यहाँ पर बैच मेरे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ध्यान देता ही था मैं। अब बात करें तो हम लोग यहाँ पर गेम मैप्स की, तो अगर हम लोग यहाँ पर गेम मैप की बात की जाए तो ये है गाइस नेक्स्टरा वाला मेरे हिसाब से मैप एंड गेम से, तो मुझे इसके अंदर ऐसे कोई चीज़ तो ऐसे खैर पसंद नहीं बिकॉज ये अभी अभी आया है, बट फिर भी मुझे यहाँ पर पसंद है, लाइक यहाँ पर मुझे ग्रेव लैब्स पसंद है, यहाँ पर मुझे म्यूजियम या फार्म टोपिया जो है वो भी मुझे यहाँ पर पसंद है। एक और नया मैप आया अल्पाइन नाम का, लाइक उसमें भी मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पर पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर रेल रोड यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद है पुणे मैप में। फिर अपने को यहाँ पर स्नोफॉल भी पसंद है, लाइक अपने को यहाँ पर ब्लू विले भी पसंद है वैसे, एडवेंटेज भी पसंद है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बर्मुडा रीमास्टर की, यहाँ पर पूरी चीज़ें यहाँ पर बर्मुडा से मिलती है, लेकिन जो जो यहाँ पर चीज़ें नहीं है वो सब मुझे यहाँ पर पसंद है। लगे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एकेडमी की, सबसे ज़्यादा मुझे एकेडमी पसंद है, फिर यहाँ पर समुराई गार्डन भी मुझे पसंद है, यहाँ पर एडेंस क्रीक है जो यहाँ पर रिंदम विलेज की जगह है वो भी मुझे पसंद है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर मेरे वन ऑफ द फेवरेट वाले मैप की, लाइक पुर्गाटोरी या फिर हम लोग उसको पुर्गाटोरी भी यहाँ पर कहते हैं लोग, लेकिन मैं उसको यहाँ पर पुर्गाटोरी वैसे कहता हूँ। तो लगे इसके अंदर मुझे सारी चीज़ें तो नहीं पसंद है, लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेरे हिसाब से पसंद है सेंट्रल, देन उसके बाद फायर ब्रिगेड, लंबर मिल है गाइस, ये सब मैं बहुत ज़्यादा तेजी से उतरा करता था भाई एक टाइम पर। वैसे सेंट्रल तो यार सेकंड नंबर पर मैं रखने वाला हूँ एंड फर्स्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले कैसे यहाँ पर मोट हाउस की जो जगह दिख रही है वहाँ पर मैं कैसे उतरा करता था बहुत बार। क्रॉस रूट्स तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था एक टाइम पर, एमटी विला का एक रोड है वो भी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पसंद है, एंड जो फर्स्ट नंबर पे है वो है गाइस स्की लॉज। लाइक स्की लॉज में तो गाइस मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उतरा हूँ एक टाइम पर, स्की लॉज मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है पुर्गाटोरी में या पुर्गाटोरी में। अब बात कर लेते हैं मोस्ट अंडररेटेड वाले मैप जो कि मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट मैप हुआ करता था एक टाइम पर, जो कि है कालाहारी मैप।
लाइक ये यार यहाँ पर पूरे गेम के अंदर सबसे ज़्यादा अंडर रेटेड है, बिकॉज के यहाँ पर हम लोग को रैंक से भी इसको हटा दिया गया था ये वाले मैप को, कलारी मैप को, इसको आप लोग सिर्फ नॉर्मली खेल सकते हो। बाकी मेरे सबसे यहाँ पर सीएस रैंक में तो ये है, लेकिन बीआर रैंक से इसको हटा दिया गया था। बाकी इसके अंदर कैसे मुझे लग चीज़ें पसंद लगे, यहाँ पर मुझे रेफिनरी अच्छी पसंद था एक टाइम पर, लाइक मुझे बे फ्रंट पसंद था, कमांड पोस्ट है, या फिर 10 सब हुआ करता था, 10 सब तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा था वैसे तो। एक मैमथ है, देन यहाँ पर ओल्ड हैम्पटन, श्रीन्स या फिर काउंसिल हॉल, ये तीनों मुझे पसंद है। बट सबसे ज़्यादा मुझे गाइस यहाँ पर पसंद है पूरे मैप में वो है गाइस यहाँ पर सेंटा कटरीना। ना अब बात कर लेते हैं ओरिजिनल वन यानी द बरमूडा मैप के बारे में। तो लाइक इसके अंदर हम लोग को यहाँ पर हर मैप यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लाइक सबसे ज्यादा फेवरेट मैप भी, हालांकि मेरा एक ऐसा एक ये मैप है जिसके अंदर मुझे यहाँ पर सभी जगह पसंद है, लाइक सभी बस एक दो को छोड़कर। लाइक यार मुझे यहाँ पर बुलजाई भी पसंद है, ग्रेवयार्ड भी पसंद है, ऑब्जर्वेटरी में भी गाइस मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी एक टाइम पर। हैंगर के गाइस जो घर होता है उसके यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा जाया करता था, रीम नाम लेस पे तो मैं यहाँ पर पूरा जाया करता था। बाकी मार्स सेलेक्टिव भी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गया हूँ, एंड यहाँ पर पोचिन ऑक मैं यहाँ पर पोचिनकी को देख के यहाँ पर गया था, लाइक पबजी में पोचिनकी था उसको मैं यहाँ पर देख के गया था, मुझे लगा था कि वैसा ही होगा लेकिन वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पोचिन ऑक। देन अगर बात की जाएगा हमारे भीम शक्ति यानी बीमा शक्ति स्ट्रिप की, तो लाइक बीमा शक्ति की स्ट्रिप का जो चिमनी होती है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गजब हुआ करती थी, लाइक उसके ऊपर मैं जाया करता था। फिर कटोरिस्टिया का ब्रिज तो यार एकदम वन ऑफ द फेवरेट है भाई मेरा। बाकी अगर मैं यहाँ पर जब गेम को शुरुआत किया था तो मैं गाइस यहाँ पर सबसे पहला जब यहाँ पर लैंड किया था पूरे बरमूडा मैप में, यहाँ पर पूरी पहली बार मैं यहाँ पर जब उतरा था वो थी गाइस यहाँ पर रिवर साइड में मेरे सबसे घर होता है, जहाँ पे गाइस यहाँ पर ना लाइक वो बक्से रखे होते हैं ऑयल बरे टाइप के, जब नॉर्मल बक्से रखे होते हैं जो यहाँ पर फटते भी नहीं है, ऐसी नॉर्मल डिजाइन के लिए रखे थे मेरे हिसाब से। तो मैं वहाँ पर उतरा था एंड वहाँ पर जाकर मैं छुपके बैठ गया था, लाइक वहाँ पर बंदे लोग भाग रहे थे तो मैं यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पर छुपके बैठ गया था, बिकॉज मैं यहाँ पर लड़ नहीं रहा था वो टाइम पर। बाकी यार हमारा जो फैक्ट्री है, लाइक फैक्ट्री की जो एक टाइम पर गाइस एक टॉप हुआ करता था फैक्ट्री टॉप, लाइक ये नाम तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पर 1v1 फीस फाइट करा करते थे, 1v नहीं 1 मेरे हिसाब से 1v ऑल, यहाँ पे मैंने बहुत ही ज्यादा गजब तरीके से 1v1 लाइक यहाँ पर फाइटिंग करते रहते थे भाई हम लोग, यहाँ पर फीस फाइटिंग करो या कुछ भी करो, मैं यहाँ पर पूरी स्क्वाड लेके कभी कभी जाता था, कभी सोलो हम लोग चले जाते थे, यहाँ पर बंदे बहुत आए करते थे पहले लेकिन अभी नहीं आते। अब बात कर लेते गाइस मेरा यहाँ पर केप टाउन के लिए, केप टाउन यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन भाई यहाँ पर इस पर लूट ही नहीं मिलती, भाई मैं क्या करूँ भाई यहाँ पर लूट ही नहीं मिल रही भाई हम लोग को, तो फिर केप टाउन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सबसे घटिया लूट मेरे हिसाब से केप टाउन में मिलती है। देन कैराटॉन प्लांटेशन एंड कोटाटुआ, ये तीनों मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन उसमें भी कैराटॉन मुझे ज्यादा पसंद है इन दोनों में यानी तीनों में। अब बात कर लेते हैं मेरे यहाँ पर थर्ड मोस्ट फेवरेट वाली जगह जो कि है गाइस यहाँ पर मिल। मिल में तो गाइस मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतरा करता हूँ एंड अभी भी उतरता हूँ, लाइक हम लोग यहाँ पर रिवाइव का मिशन भी यहाँ पर करा करते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑयल बैरल बहुत ही ज़्यादा लाइक रेड बैलर जो होते हैं, लाइक मिल यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट तबाही जगह है। अभी हम लोग बात करते हैं मेरे सेकंड फेवरेट जो कि यहाँ पर शिपयार्ड है, लाइक शिपयार्ड में तो यार मेरी यादें ही जुड़ी, वही यहाँ पर शिपयार्ड में बहुत ही ज़्यादा उतरा करता जब मैं शुरू में आया था, बिकॉज यहाँ पर लगभग यार तुक्के यहाँ पर शिपयार्ड पे ही गाइस यहाँ पर प्लेन यहाँ पर शुरू होता था या फिर शिपयार्ड में जाकर एंड होता था भाई, मतलब मैं यहाँ पर शिपयार्ड में उतर ही सकता था चाहे कुछ करूँ या ना करूँ। एंड अब बात कर लेते हैं मेरे यहाँ पर टॉप वन की जो कि बरमूडा में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है गाइस यहाँ पर सैंटोस एंड सिबो। तो मैं यहाँ पर सैंटोस की हर जगह पर, लाइक आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा आइलैंड है, मैं हर जगह पर घुमा एंड मुझे सब जगह नंबर पसंद है सेंटोस की। फिर गैस मैं यहाँ पर सेंटोसा उसके यहाँ पर गैस यहाँ पर उतर गया था गलती से, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर कपड़े कितने ज्यादा ताकतवर है। देन एक टाइम पर यहाँ पर फ्री फायर में एक ऐसी लॉबी आई थी जिसके अंदर गैस हम लोग यहाँ पर कोई भी कपड़ा पहन सकते, लगे यहाँ पर चार कपड़े होते थे उसमें हम लोग यहाँ पर कोई भी कपड़ा पहन सकते, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यूनिक लॉबी थी। देन हम लोग यहाँ पर एक बार बॉम्ब स्क्वाड कप में यहाँ पर मेरी टीम यहाँ पर बन चुकी थी चैंपियन, एंड हम लोग को यहाँ पर ये बार यहाँ पर एयरशिप में भी उतरने का यहाँ पर मौका मिला था। फिर इसी टाइम पे गाइस मैंने यहाँ पर विचित्र चीजें देखी, जो कि सबसे पहला था यहाँ पर एक लेटा हुआ रेड बैरल। देन हाँ गाइस मैं यहाँ पर 50-50 में भी एक बार मर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर #50 में सोलो में मर चुका हूँ मैं एक बार, जैसा मैंने कहा था मैं यहाँ पर स्की लॉज में बहुत ज्यादा बार उतरा, आप लोग देख सकते हो ये जो सीनरी मुझे लगता है स्की लॉज का वो सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा। देन उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली बार हमको यहाँ पर मेरे नाम के आगे गाइस यहाँ पर एलीट पास का एक बार बैच दिखा था। देन हमारे लोल मूल पे गए यहाँ पर आइस ग्राउंड नाम का भी मैप आया था एक नया मैप, और इस सीजन मैंने यहाँ पर गेम के अंदर गिटार भी यहाँ पर देखा एंड उसको बजाया भी ऑब्वियसली। 2022 के पूरे ईयर में मुझे यहाँ पर लास्ट टाइम मिला था इलाइट पास हॉल ऑफ फेम, लाइक मैं यहाँ पर प्रैंक भी करा करता था, लाइक यहाँ पर लोगों के ऊपर मैं यहाँ पर ऑयल बैरल भी फोड़ चुका हूँ, और एक बार हम लोग यहाँ पर कस्टम खेल रहे थे बैटल केज वाला, उसके अंदर मैं यहाँ पर बुया भी किया था एंड यहाँ पर पूरी टीम को मैंने यहाँ पर हराया भी था, लाइक पूरी टीम ने हम लोग यहाँ पर सोलो वर्सेस सोलो खेल रहे थे, मैंने यहाँ पर सबको हराया था। देन दिवाली में गाइस मैंने यहाँ पर ये वाला स्क्रीनशॉट लिया था, ये मेरा स्क्रीनशॉट है गाइस, कहीं मैंने यहाँ पर क्रोम रूम से चुराया नहीं है। एंड हाँ मैंने अपने यहाँ पर क्रोनो के साथ यहाँ पर सेल्फी भी ली थी एक टाइम पर,
तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी? लाइक मैंने यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर बताई जो कि मैंने यहाँ पर फ्री फायर में करी थी एक टाइम पर, यहाँ पर फ्री फायर में यार और भी चीज़ें लगा आप लोगों को नॉस्टैल्जिया लगा कि नहीं, मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों के पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे पता है यहाँ पर यार बहुत ही ज़्यादा मैंने यहाँ पर लंबी वीडियो बना दी एंड मुझे पता है कि यहाँ पर 2023 भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका, बिकॉज ये वीडियो बनाने में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, दैट्स वाई यहाँ पर 2023 स्टार्ट हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पर पहले से रिकॉर्डिंग चालू कर दी, इसलिए मेरे पास बहुत सारी यहाँ पर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या लगता है कि हम लोग को यहाँ पर ओल्ड फ्री फायर कभी वापस मिल पाएगा या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हास्टा ला वीस्टा।